क्या आपके भी भटोरे फूले फूले नहीं बनते? तो चलिए आज हम बनाते हैं फूले फूले भटोरे। फूले फूले भटोरे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में लेंगे 2 कप मैदा, 2 चम्मच सूजी, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़े से चीनी, नमक और थोड़ा सा तेल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा दही ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ऐड करके इसका डो लगा सकते हैं। इसके बाद हम आटे में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गीले कपड़े से इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आटा बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसे हम हल्का सा फिर से मसल लेंगे। उसके बाद हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार भटोरे के लिए लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े बड़े साइज के भटोरे बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने इसे बेलकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं भटोरे तलने के प्रोसेस में। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल को गर्म रखा है और भटोरे को इसमें इस तरह से डाल देंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का तेल डालते जाएंगे और भटोरे अपने आप यहाँ पे फूल जाएंगे। और यहाँ पे हमारा फूला फूला भटोरा बनके बिल्कुल तैयार है। तो देखा ना आपने कितना आसान है ये फूले फूले भटोरे बनाना। और यहाँ पे मैंने पहले से ही छोले को बनाकर तैयार रखा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं भटोरे कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो फटाफट से जाइए आप भी छोले भटूरे बनाने। मैं तो चली खाने, तब तक के लिए बाय बाय।